नेक्स्ट जी क्लास क्रस्टेशिया क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया हमने। इस क्लास ग्रुप के अंदर जो एनिमल्स हैं वो आमतौर पर एक्वेटिक हैं, इनके गिल्स होती हैं, लंग्स नहीं होते, और ये सेफेलोथोरिक्स हैं। सेफेलोथोरिक्स से मतलब ये है, इसका जो हेड है ना ये, और थॉरिक्स, ये दोनों आपस में अटैच्ड होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता। तो ये डिफरेंस ना होने की वजह से हम इसको बोलते हैं सेफेलोथोरिक्स। सेफलो मीन हेड और थॉरिक्स मीन सीना, यानी इसका हेड और सीना आपस में दोनों अटैच हैं, इसलिए इसको सेफेलोथोरिक्स बोलते हैं। और इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें कुछ साल्ट की डेपोजिशन होती है। इस साल्ट की डेपोजिशन की वजह से ये काफ़ी पार्ट हार्ड होता है, इसलिए इसको कैरापेसी बोलते हैं। इसी तरह जी इसका जो एक्सोस्केलेटन है, जैसा कि अभी हमने बात भी की, ये साल्ट का और काइटन का कम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हार्ड होता है, और इसको जो है ना वो स्केलेटन के तौर पर भी ये काम करता है। इसके अपेंडजेस काफ़ी होती हैं, वॉकिंग के लिए अलग से अपेंडजेस होती हैं, स्विमिंग के लिए अलग से होती हैं, वॉकिंग के लिए जैसे ये आपको लेग्स नज़र आ रही हैं, कलर चेंज कर लेते हैं जी, ये आपको लेग्स नज़र आ रही हैं। स्विमिंग के लिए कुछ लेग्स इस तरह की होती है जो स्विमिंग में हेल्प करती है। रिस्पायरेशन के लिए गिल्स होती हैं, और कैप्चरिंग ऑफ फूड के लिए, ये देखिए इनके क्लॉज जो आगे से जबड़े हैं, पंजे बने हुए हैं, जो कि फूड को कैप्चर करने के काम आती हैं। रिप्रोडक्शन के लिए भी इसके अंदर जो है ना वो बाकायदा ऑर्गन्स मौजूद होती हैं। सिलोम हेमोसोल के तौर पर हेमोसोल होती है, और इसकी बॉडी में एंटीने का एक पेयर होता है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। मैं इसको अंडरलाइन कर ही देता हूँ, ये देखें एक लंबा का लंबा एक एंटीना नज़र आ रहा है एक ही साइड को ऐसे, तो ये दो एंटीने, वन पेयर ऑफ एंटीने। इसके अलावा जी वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स जबड़े होते हैं, और मैक्सिला मौजूद होते हैं, इसके टू पेयर्स होते हैं। मैंडिबल्स और मैक्सिला इसके जबड़ों को बोलते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इसकी एग्जांपल्स जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, लोबस्टर है, ये लोबस्टर है, ये लोबस्टर है, क्रैब्स, ये क्रैब्स हैं, वुड लोस वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्लास है वो क्लास इंसेक्टा। ये क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल किंगडम के अंदर। तकरीबन तमाम एनिमल किंगडम के अंदर, पूरा जो एनिमल किंगडम है उसमें सिर्फ क्लास इंसेक्टा 53% है, यानी इसकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो यही समझा जाता है क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ये हर जगह रहती हैं, हर जगह के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेती हैं, हवा में भी रहती हैं, पानी में भी रहती हैं, खुश्की पे भी रहती हैं, इनका ये सोशल बिहेवियर भी रखती हैं, मिलके भी रहती हैं, अलग अलग भी रहती हैं, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है, ये हर तरह की जो लाइफ है इसको उसके मुताबिक अपने आप को मैनेज कर लेता है। इसकी बॉडी के तीन मेन पार्ट्स होती हैं, एक हेड, ये हेड, एक थॉरेक्स, ये वाला पार्ट थॉरेक्स है जहाँ पे पर लगे हुए हैं, और ये एब्डोमेन है, ये पीछे पेट वाला हिस्सा, इसे एब्डोमेन बोलते हैं। हेड के ऊपर दो अपेंडजेस होती हैं, यानी एक पेयर एंटीने का और एक पेयर कंपाउंड आई का। कंपाउंड आई वो आई होती है जिसमें एक से ज़्यादा लेंस हो, और सिंपल आई वो होती है जिसमें सिर्फ एक लेंस हो, जैसे ह्यूमन की आई है उसमें आपने पढ़ा हुआ 10th क्लास में कि एक ही लेंस होता है, वो सिंपल आई इसी के अंदर रहता है। इसमें काफ़ी बड़े ज़्यादा लेंस होती हैं, सभी मिलके वर्क करते हैं, इसलिए इसको कंपाउंड आई का नाम देते हैं। थॉरक्स के ऊपर चार विंग्स होती हैं और छः लेग्स होती हैं, यानी पेयर के हिसाब से देखें तो टू पेयर ऑफ विंग और
थ्री पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। एब्डोमन के ऊपर जो सेगमेंट्स हैं वो वेरी करती हैं, किसी के कम होती हैं, किसी के ज़्यादा होती हैं। जैसे आप ये डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि इसका एब्डोमन काफ़ी लंबा है, इसका एब्डोमन छोटा है, इसका और है और इसका और तरीके से है। ब्रेन सिंपल होता है, दो नर्व कार्ड बॉडी के अंदर जाती हैं जो कि हेड से आगे थॉरिक्स और एब्डोमन की तरफ जाती हैं। सेक्सेस इनके भी सेपरेट हैं, ओवी पैरस होती हैं, ओवी मतलब एग देते हैं, बच्चे नहीं पैदा करते बल्कि अंडे देते हैं और अंडों से फिर आके लार्वे निकलते हैं, लार्वे फिर निम्फ या जो है ना प्यूपा की शक्ल में से कन्वर्ट होकर आके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल ड्रैगन फ्लाई हैं और मॉस्किटो हैं, बटरफ्लाईज हैं, मॉथ वगैरह इसकी एग्जांपल्स में आती हैं। अरेक्निडा है नेक्स्ट हमारा, ये भी सेफेलोथोरिक्स होती हैं, इसका हेड और थोरिक्स आपस में अटैच होता है। अपेंडजिस इसकी बॉडी में भी होती हैं, इनके भी क्लॉज होती हैं, जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते भी सकते हो, इसके ये क्लॉज जो है ना वो शिकार को पकड़ने के लिए बड़े मखसूस होती हैं। इसकी बॉडी के ऊपर जो ना वो फोर पेयर ऑफ लेग्स होती हैं, आठ टांगे होती हैं, एंटीने या जो ना जॉस यानी जो मैंडिबल्स हैं वो इसकी बॉडी में मौजूद नहीं होते। रिस्परेशन के लिए गिल्स होती हैं या बुक लाइक लंग्स होती हैं, यानी जैसे पेज नहीं होते बुक्स के, ऐसे इसकी जो लंग्स की काफ़ी तहें बनी होती हैं। एक्सक्रीशन के लिए मालपिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, कल भी हमने बात की थी कि वो जो फोर गार्ड और मिड गार्ड के दरमियान कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि नाइट्रोजन के बेकार मात्रों को बॉडी से कलेक्ट करती हैं। आइज इनके सिंपल हैं, सेक्स इनके सेपरेट्स हैं, मेल और फीमेल अलग अलग हैं, ये भी ओवी पैरा से अंडे देते हैं और मेटामॉर्फोसिस की बॉडी में नहीं होता, यानी कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस नहीं होते। मेरियापोडा, इसको मायरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी ज़्यादा होती हैं लेग्स, मेरिया मतलब मोर और पोडा मतलब लेग्स, इसकी टांगें ज़्यादा होती हैं इसलिए इसको मेरियापोडा बोलते हैं। इसकी बॉडी में सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आप ये देख भी सकते हैं कि ये लेंथ वाइज आप देखें छोटे 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 सेगमेंट्स बने होते हैं और इस सेगमेंट की सेगमेंट इसके काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेग्स पेयर की शक्ल में होती हैं, बेशक अगर 20 भी टांगे हैं तो वो पेयर की शक्ल में 20 होंगी या 22 होंगी, यानी इस तरह जो ना वो पेयर की शक्ल में होंगी, कम भी हो सकती हैं, 20 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। आइस का भी पेयर होता है, दो होती हैं और इसकी एग्जांपल सेंटीपेड और मिलीपेड्स, सेंटीपेड और मिलीपेड को हम आमतौर पर कन खजूरा भी बोलते हैं, कनकोल भी कुछ इलाकों में बोला जाता है, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के इसके कामन नेम्स हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इंसेक्ट की बहुत ज़्यादा है, ये में नुकसान भी देती हैं और फ़ायदा भी देती हैं क्योंकि इंसेक्ट ह्यूमन से कम्पीट करते हैं फूड के लिए और स्पेस के लिए, तो इसलिए शुरू से ही इनका आपस में कंपटीशन रहा है। तो इंसेक्ट जो ना वो हमारे डोमेस्टिक एनिमल के ऊपर अटैक करती हैं, इसके अलावा क्रॉप के ऊपर अटैक करती हैं, क्रॉप के अंदर मतलब किस्म की डिजीज़ पैदा करती हैं, क्रॉप को डायरेक्टली खा जाती हैं, क्रॉप के अंदर डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी नुकसान पहुँचाती हैं, ह्यूमन को भी हेल्थ के हिसाब से भी नुकसान पहुँचाती हैं, जैसे मॉस्किटो है वो भी मतलब किस्म की डिजीज़ पैदा करती हैं, इस तरह ये क्रॉप के अंदर भी डिजीज़ पैदा करता है, डायरेक्टली हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाता है, जैसे कुछ इंसेक्ट ऐसे भी हैं जो हमारी लकड़ी को, फर्नीचर जिस लकड़ी का बना होता है वो लकड़ी को खा जाता है दीमक, तो इस तरह हमारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान ठीक ठाक पहुंचाते हैं। इसी तरह कुछ यूज़फुल भी हैं हमारे लिए, जैसे हनी भी जिससे हम शहद लेते हैं और सिल्क जिससे हम रेशम का कपड़ा जो ना वो तैयार करते हैं, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस के अंदर आती हैं। अगर हम इसके हार्मफुल इंसेक्ट की बात करें तो उसमें मॉस्किटो है जो कि मलेरिया और डेंगी वगैरह काज करती हैं, फ्लीस जो कि ताउन की बीमारी पैदा करती हैं, फ्लीस जो हैं वो हैजे की और हेपेटाइटिस की बीमारियां फैलाने का काम करती हैं, मक्खियां वगैरह। एक और है जी सीसी फ्लाई, ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो काज करती हैं, ये मुतो किस्म की डिजीज़ हैं जो कि आपने इस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का जिक्र साथ में चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है।
बेनिफिशियल इंसेक्ट की बात करें तो हनी भी है, जो कि जिससे आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक हनी भी मिलता है और आपको वैक्स भी मिलती है। सिल्क वर्म से सिल्क भी मिलता है, जिससे आप फिर आके रेशम का कपड़ा तैयार करते हैं। और बहुत सारे इनसे के इंसेक्ट प्रीडेटर के तौर पर भी काम करती हैं। प्रीडेटर जैसे कि ये आप डायग्राम के अंदर देख भी सकते हो कि एक जो ना वो लेडी बर्ड बीटल है, ये लेडी बर्ड बीटल है जो कि एक इंसेक्ट को खा रही है। तो वो जो इंसेक्ट हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल था, उसको लेडी बर्ड बीटल खा जाएगी तो हमारी क्रॉप जो है वो सेव रहेगी। तो इसको दोस्त किसान कीड़ा भी बोलते हैं। ऐसे तमाम इंसेक्ट जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हों, किसानों के लिए दोस्ती का काम करें, इसे दोस्त किसान कीड़ा बोलते हैं। तो ये इसी अमल को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक लाइफ से हम दूसरी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। ये कंपाउंड और सिंपल आई में डिफरेंस दिया हुआ है, जैसा कि आप देखें भी कि इस डायग्राम में देखें, इसमें एक लेंस है और नीचे जो ना वो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, शुआएं आ रही हैं टकरा के, एक ही लेंस से वापस भी जा रही हैं और आ भी उसी लेंस से रही हैं। तो इस तरह जो ना ये जो आई बनती है, इसको बोलते हैं सिंपल आई। इस डायग्राम में देखें, ये काफ़ी सारे, ये सारे के सारे जो है ना वो लेंस लगे हुए हैं, ये लेंस हैं। हर लेंस जो ना वो अलग से काम करता है, लेकिन इमेज सभी की मिलके एक ही बनती है। यानी ये जो आपको जितने भी डॉट 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 नज़र आ रहे हैं, ये समझ लें कि सारे के सारे क्या हैं, लेंस हैं, अलग अलग लेंस हैं। तो जहाँ पर भी इमेज बनेगी, वो पीछे जाके अगर 10 लेंस के ऊपर भी एक इमेज बनती है, तो 10 से 10 के 10 लेंस पीछे जाके इमेज एक ही बनाएंगे। तो क्योंकि ये मिलके काम करते हैं और लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कंपाउंड आई का नाम देते हैं।